देवास जिले के सतवास में एनआईए की 5 सदस्यीय टीम ने लियाकत नाम के युवक से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम लियाकत का मोबाइल और सिम कार्ड साथ ले गई। सतवास में एनआईए की टीम ने एक संदिग्ध युवक लियाकत से लंबी पूछताछ की और उसके बाद उसका मोबाइल सिम कार्ड जांच के लिए अपने साथ ले गई। बताते हैं, लियाकत का परिवार मजदूरी करता है। लियाकत के परिजन ने बताया कि टीम के साथ सतवास के कुछ पुलिसकर्मी भी थे। टीम ने लियाकत से पूछताछ की, उस दौरान कमरे में उनके पिता और माँ भी थी। टीम ने पूछताछ के बाद पंचनामा बनाया। लियाकत ने बताया कि वो उर्दू के मैसेज वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, इसलिए एनआईए ने उनसे पूछताछ की है। लियाकत एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है, उसमें उर्दू में मैसेज आते हैं। लियाकत ने बताया कि वो उर्दू पढ़ना नहीं जानता। ग्रुप में उसे किसने और क्यों जोड़ा, उसे ये पता नहीं है। मजदूरी करते हैं मिस्त्री के साथ। इन्हें व्हाट्सएप तो बोले, इन्हें व्हाट्सएप में सब व्हाट्सएप कराए नहीं, हम करते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं। आप मस्ती बात है मेरी बोले। तो क्या कीपैड वाला मोबाइल है या स्मार्टफोन चला? कीपैड वाला छोटा है, जियो जियो का फोन है छोटा वाला। क्या आप कब से चला रहे थे वो फोन, कब से था आपके पास फोन? तो बहुत रोज से था। बहुत दिन से? दिन एक साल से। 2-3 साल से वही फोन है? 3 साल से वही फोन। अच्छा, बाकी और कोई मतलब उन्होंने दिल्ली आने का या बिहार आने का या पटना लखनऊ आने का ऐसा कुछ बोल कुछ के गए? कुछ भी नहीं बोला। बोला यहाँ से आपके घर से क्या लेके गए वो साथ में? कुछ भी लेके, मोबाइल लेगा, सिर्फ मोबाइल लेके गए और उसकी सिम लेके गए अंदर, बाकी और कुछ भी लेके नहीं गए? कोई कागज पत्तर कोई दूसरी कोई चीज लेके गए? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेके गए? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।